नमस्कार सिटी में आपका स्वागत है। और आज हमें गंग नहर के किनारे कुछ लोग स्टूडेंट्स के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर एक्सपेरिमेंट करते दिखे। उनसे बातचीत हमने की तो ये हमारे फ्यूचर में काम आने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बताएंगे हमें मनीष जी। जी क्या कर रहे हैं सर आप लोग स्टूडेंट्स को लेकर? हम पी एच डी करता हूँ। ये स्टूडेंट है, ये सीखने आए हैं, इनको हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है और भविष्य में इसकी क्या क्या आप कर सकते हैं उसमें कैसा। तो सर ये इंस्ट्रूमेंट हाइड्रो सर्वेयर बोलते हैं इसको। ये आपका डिस्चार्ज होता है, इसकी गति कितनी है, गहराई कितनी है, आपका जो नीचे है पानी के लेवल मतलब स्पीड उसकी गहराई और ये सब चीज़ें और नीचे जो इसकी बॉटम प्रोफाइल अंदर क्या चल रहा है, अंदर की जो प्रोफाइल है जो नीचे बिना पानी के हम जो देखते हैं लेयर देखते हैं। जी हाँ जी हाँ जी, वो मेजर करता है। अच्छा, इसका बोट हमारी हाइड्रो बोट है। ठीक है, हाइड्रो बोट हम पास करें वजन कैसे करते हैं, किस टाइप से करना चाहिए मेजरमेंट? अभी हम वन मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम करेंगे तो वन को वन करते हैं। कमेंट्स क्या कर रहे हैं, हम रिवर सर्वे स्टार्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो स्टार्ट मेजरमेंट करेंगे। तो एक हमारा इसरो आप जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसमें हमारे आशीष पांडे सर जो इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इस प्रोजेक्ट के, तो इस प्रोजेक्ट को हमने उनसे लिया। एक्चुअली अमेरिका जो नासा है उसने एक मिशन लॉन्च किया जिसको सॉट कहते हैं, सॉट सरफेस ओशनिक वाटर ट्रोपोग्राफी। जी मतलब इस मिशन का उद्देश्य ये है कि हम जितने भी वाटर कोर्स हैं, वाटर कोर्स में आपकी सारे रिवर्स आ जाते हैं, सारे कैनाल्स आ जाते हैं, इनको हम कैसे सैटेलाइट से ही मॉनिटर कर पाएं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता कि किस कैनाल में किस रिवर में कितना फ्लो हो रहा है, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कहाँ बाढ़ आ जाएगी, कहाँ ये हो जाएगा। तो इस मिशन का उद्देश्य हमारा है कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है स्वाट ने, वो सैटेलाइट ये करता है कि जितने भी हमारे जो रिवर्स हैं उसमें कितना डिस्चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और उसके इस चैनल की कैसी क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल है वो नोट करता है, और हम ग्राउंड में जाके उसको ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, मतलब वैलिडेट करते हैं। ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रो सर्वेयर कहते हैं इसको, M9 हाइड्रो सर्वेयर। इस हाइड्रो सर्वेयर का यूज करके उपयोग करके हम जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को करा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी कैनाल का है, किसी भी रिवर का है, किस डिस्चार्ज हम मेजर कर सकते हैं। तो ये इतना, क्योंकि आपको नहीं, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं था जिससे हम ये पता लगा सके कि नीचे का क्रॉस सेक्शनल कैसा है किसी भी रिवर का। ये इंस्ट्रूमेंट 80 मीटर गहराई तक कोई भी रिवर है, कोई भी चैनल है, कोई भी चीज़ है, उसकी गहराई के अंदर कैसा प्रोफाइल है, कैसा सेक्शन है, वो हम इससे पता लगा सकते हैं, और उसको पता लगाने के बाद वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके किसी भी चैनल का डिस्चार्ज हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे हम 21 दिन में, हर 21 दिन में डिस्चार्ज मेजर करते हैं। हमें स्वाट और इसरो ने दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वहाँ जाके ये करते हैं, उसके बाद हम पूरा वो डेटा लेके आते हैं, फिर सैटेलाइट से उसकी वैलिडेशन करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो फ्यूचर का उद्देश्य ये है हमारा, अगर कहें आप अल्टीमेटली, तो हम फ्यूचर में सैटेलाइट बेस ही, अगर ये डेटा वैलिडेट करने के बाद हम फ्यूचर सैटेलाइट से ही हम उसका डिस्चार्ज किसी भी रिवर का, किसी भी रिवर की वेलोसिटी, किसी भी रिवर का जो क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल हम ड्रॉ कर पाएंगे। उसकी वजह से जैसे नहीं होता कई बार सेडिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया रिवर में तो वो क्लॉग हो जाती है, तो वहाँ पर बाढ़ आने के चांस आने के चीज़ें, तो हम बहुत अच्छे से वाटर के फ्लो को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ये हम कर पाए सैटेलाइट से भी, तो कितनी सारी बाढ़ की जो समस्या है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत, अभी 2022 से ही जो हमारा मिशन है इसने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है, और फ्यूचर में बहुत बहुत संभावनाएं हैं कि हम फ्लड प्रोन एरिया को प्रेडिक्ट कर पाएंगे ऐसे ही कई प्रोजेक्ट से और इसका ही आगे यूज करके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सर, नासा और इसरो के, नासा ने इसरो को दिया है और इसरो के साथ हमारा वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आशीष पांडे सर की गाइडेंस में हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ ये स्टूडेंट्स हैं, तो इनको आप लेकर आए इस प्रोजेक्ट को सिखाने के लिए, बताने के लिए इसके बारे में, क्वांटम और कोर के स्टूडेंट जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो इनको डेमो देने का क्या वो है आपका? हाँ, ये इनकी क्या हेल्प कर रहे हैं आप, मतलब इन्हें इनके बारे में बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल, ये इनका हमारा उद्देश्य ये, क्योंकि ये जो क्वांटम और कोयर के जितने भी स्टूडेंट हैं और साथ एक और कॉलेज है, तो ये सारे स्टूडेंट जो है आगे चल के वाटर रिसोर्स सेक्टर में काम करने वाले हैं, ऑल हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि
किसी भी जो वाटर कोर्स है वो कैसे उसका हम डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर प्लानिंग कर सके। अल्टीमेटली ये भविष्य के इंजीनियर हैं, इनके हाथ में ही सारी चीज़ें कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे हमारी जो बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, एक समय बाढ़ होता है एक समय सूखा होता है, तो अगर हम इसको किसी तरीके से सॉल्व कर सकें, किसी तरह से प्रेडिक्ट कर पाए, जैसे कि आज देख रहे हैं आप जो मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है ना, जिसकी वजह से आप पूरा प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि इस समय बारिश होगी, इसमें से ओला होगा, इसमें से ये होगा, तो अगर यही ऐसा प्रोजेक्ट हम ऐसा सफल हो जाए कि हाँ यहाँ ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, यहाँ ये प्रोन एरिया है, तो हम कितनी बार की समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो ये बच्चे इससे सीख के आगे चल के इसमें बहुत देश हित में और बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं इस सब समस्याओं के निवारण के लिए। ठीक है, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। अभी जो प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने था, आपको समझ में आया ना सबको, तो क्या हेल्प मिलेगी आप लोगों को उससे? सर मतलब हाइड्रो सर्वे से हम डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं और पूरा बाथीमेट्रिक सर्वे कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो आगे जाके जैसे अगर रिवर में सेडिमेंटेशन हो रहा है ये सब पता कर सकते हैं। तो अगर रिवर का इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज हमें या हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगी, कोई नॉर्मल से बता दो कुछ भी, क्या समझ में आया? बस इतना सर कि डिस्चार्ज मेजर होता है कि अगर फ्यूचर में अगर कोई फ्लॉट आ रहा है तो उससे पहले पता चल जाएगा कि हाँ मतलब फ्लॉट आने वाला है या कुछ भी है ऐसा कुछ। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए कैसे काम करेगी? बहुत अच्छा काम करेगा सर। क्या काम करेगी इससे? अच्छा डिस्चार्ज जैसा कितना भी नदी आ रहा है, हाँ, बाढ़ को लेकर, सूखे को लेकर कोई काम होगा इससे? सूखे के लेके तो सर इसमें सूखे में तो ये एस्टिमेट काम नहीं करेगा, ये बाढ़ जो है पानी को मतलब जहाँ पे ज्यादा मतलब पानी है उसका मतलब मेजर करते हैं कि कितना मतलब इसका मतलब प्रति घंटा रफ्तार क्या है, वो सब को मेजर करने के लिए ये एस्टिमेट काम करता है। यानी जहाँ बाढ़ आ जाती है तो उस चीज को लेकर इसे पहले पता किया जा सकता है। जी यही सब चीज है ना? जी जी। आप थोड़ा सा नॉर्मल बताओ कि मतलब हम नॉर्मली पानी के अंदर नहीं देख सकते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम पानी के अंदर की जो गतिविधियां हो रही है वो हमें पहले ही पता चल सकती है। अब मेरी भी समझ में आया। आप लोग बताएंगे कुछ? डिस्चार्ज ही मेजर करता है, तो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया सब चीज़, ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा यानी स्टडी में आपकी ना।